कैसे हो आप सब। मैं हूं कोमल, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज ना मैंने कुछ इंडो वेस्टर्न सा लुक क्रिएट करा है, आप देख ही सकते हो, कुछ इस तरीके का पिंकिश सा, मतलब बहुत ही प्यारा सा मैंने मेकअप लुक क्रिएट करा है। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो पूरी जरूर देखना, आई लुक कैसा लगता है ये भी जरूर बताना। और मतलब वेस्टर्न ड्रेस के साथ बिल्कुल इंडियन सा लुक कितना अच्छा लगता है ना, मतलब मैंने कुछ सोच के नहीं करा, बिना सोचे समझे करा है जो भी हुआ है। तो आप जरूर देखना, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, जरूर बताना आपको ये लुक कैसा लगा है। ओके, तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो गाइस अब ना थोड़ा स्किन को मॉइस्चराइज वगैरह कर लेते हैं। तो उसके लिए ना यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का विटामिन सी टोनर। ये आपके ना आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग टोनर्स यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्लो टोनर यूज कर रही हूँ। अच्छे से ना डैप डैप करके आपकी स्किन में आपको पुश करना है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी वैसलीन की बॉडी आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम नहीं है ये, एक जेल है, मतलब एक लाइटवेट जेल है। जिस तरीके से ना वो पॉन्ड्स का लाइटवेट जेल है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, सिर्फ इसमें इतना सा है ना, इसको आप बहुत ही मतलब ध्यान से इसको अप्लाई करना पड़ता है आपको। आप बिल्कुल भी ना अपने आइज के आसपास या यहाँ पे कहीं से अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपकी स्किन पे ये मतलब ये ना स्किन के अकॉर्डिंग, अगर आपको स्किन पे सूट नहीं होता, इचीनेस होती है या फिर रेडनेस हो जाती है आपकी स्किन के लिए, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। बट स्टिल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसे ट्राई कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसे ना नाइट क्रीम की तरह भी लगाती हूँ, डे क्रीम की तरह भी लगाती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे अप्लाई करती हूँ, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब स्किन, मैं अगर ये कहूँ ना, ये ड्राई स्किन वाले के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑयली और नॉर्मल स्किन वालों के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल भी आइस के पास आप नहीं लगा सकते इसे, तो इसलिए वो ड्राई स्किन वालों के लिए इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा अभी तो आपको लगेगा कि हाँ ग्लिसरी ग्लिसरी और बहुत ही अच्छे से फेस को स्मूथ करा है इसने, बट ये ना थोड़ा अच्छे से ना इसे ब्लेंड करने के बाद ना बहुत ड्राई हो जाता है ये कभी कभी, तो मतलब मेरे नॉर्मल स्किन है तो कभी कभी मुझे भी दिक्कत होती है इससे, बट ये ना स्किन को सूट करता है, मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से स्मूथ कर देता है और बहुत ही मतलब ऐसे ना पिंपल्स वगैरह नहीं होने देता है, और मुझे अच्छा लगता है, मेरे फेस पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट लगता है मुझे इसका, तो इसलिए मैं इसे अप्लाई करती हूँ। ओके, तो गाइज यहाँ पे ना अब मैं कलर कैरेक्टर प्लस प्राइमर दोनों एक ही है, ये NYBA का ना कलर कैरेक्टिंग प्लस प्राइमर है, ये येलो कलर है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब इसे ना मैंने बहुत कम यूज़ करा है लेकिन मैं फिर भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इसकी। मतलब NYBA के जो कलर्स है ना उनमें हल्का सा टिंट होता है, लाइक ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा येलो कर देगा या बहुत ज़्यादा ऑरेंज कर देगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही हल्का सा टिंट होता है इसमें, बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही अच्छे से ना स्किन को ना इस तरीके से स्मूथ भी कर देता है, प्राइमर का बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। थोड़ा सा जहाँ पर जो मेरे हाइलाइटेड पॉइंट्स है ना वहाँ वहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, बहुत मस्त है। ट्राई करके देखना, नहीं करा है अभी तक ट्राई तो ज़रूर, ओ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आ गई मेरी, बट ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सेकंड परचेज है ये, मैंने पहले भी एक बार, फर्स्ट मैंने इसे परचेज करा था पर्पल से, और ये मैंने सेकंड बार मंगाया है, फिर से मैंने पर्पल से ही मंगवाया है इसे, और बहुत प्यारा लगता है मुझे। आप लेना चाहते हैं तो इसके लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ता मुझे मिलेगा ना मैं वहीं से मंगवाऊंगी। अगर मुझे Shopee पे सबसे ज़्यादा सस्ता मिलेगा तो मैं वहाँ से मंगाऊंगी, अगर मुझे Amazon पे मिलेगा, मीशो पे मिलेगा या फिर पर्पल पे मिलेगा, मुझे जहाँ पे सब, मैं ना सबसे कंपेयर करती हूँ कि हाँ कोई चीज़ यहाँ पे 100 रुपये की है तो दूसरे वेबसाइट्स पे वो मतलब कितने की होगी, इस तरीके से मैं कंपेयर करके जहाँ सबसे कम होगा ना, मतलब 5 रुपये कम लग रहे होंगे ना, मैं उस जगह से लूँगी। तो अफोर्डेबल चीज़ें ही मैं लेती हूँ यार, क्योंकि इतना अफोर्ड कर नहीं सकते ना अभी, हमें हमारी चीज़ों के लिए, सब चीज़ों के लिए ना मम्मी पापा ही पैसे दे रहे हैं, तो मैं हमेशा जितना हो सके ना उतना पैसा बचाने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश नहीं करती हूँ, तो इसलिए। बट ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दिया, मतलब हल्का सा टिंट देता है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे इसका येलो वाला ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे इतने डार्क सर्कल्स वगैरह है नहीं, तो मैं ऑरेंज यूज़ नहीं करती। ओके, तो गाइस यहाँ पे ना हम पहले अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं, आई मेकअप पहले कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, नाम भूल जाती हूँ मैं, स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश है इसकी, बहुत अच्छा लगता है। मेरा सेकेंड फेवरेट है ये, क्योंकि फर्स्ट आप अगर मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरा फर्स्ट फेवरेट इनसाइड का है, इनसाइड का HD कंसीलर, वो मेरा मोस्ट, और मुझे लग रहा है कि मतलब आगे भी शायद मुझे उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगने वाला है कोई, क्योंकि अफोर्डेबल में अगर आपको चाहिए तो उससे ज़्यादा बेस्ट आपको नहीं मिल सकता। मतलब
लिए ना ये मेरा ना सेकंड फेवरेट है, क्योंकि फर्स्ट तो वही है। इसकी भी फिनिश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही हाई कवरेज है। और ना एज अ फाउंडेशन भी इसे अप्लाई कर सकती हूँ, मैं ना करती हूँ कभी कभी, फाउंडेशन की इतनी नीड नहीं होती है तो मैं एज अ कंसीलर को एज अ फाउंडेशन अप्लाई कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो आज ना मैं यहाँ पे दो पैलेट्स यूज़ करने वाली हूँ, दोनों ही सेम ब्रांड के हैं, यहाँ पे हुडा ब्यूटी के मेरे पास दो पैलेट्स हैं, इन दोनों ही पैलेट्स का मैं यूज़ करने वाली हूँ। मुझे इससे ये वाला पैलेट सिर्फ ब्लैक कलर के लिए चाहिए, वरना मैं इस पैलेट का ज़्यादा यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हो दोनों ही, हाँ, और बता देती हूँ ये ड्यूप है, बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है, ड्यूप पैलेट से ओरिजिनल 5,500 या 5,000 से अराउंड आते हैं, तो इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसका काम चला लेते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये ड्यूप है ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा काम नहीं करते, मतलब पता नहीं वो कैसा वर्क करते हैं, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। और मैं कितने सारे इन सब के शेड में यूज़ कर चुकी हूँ, ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा मस्त है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं एक सेम कलर से, मतलब स्किन कलर का ना, एक उसी से अपने आई को सेट कर रही हूँ। आईज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद ना मैं एक बेस क्रिएट करने के लिए, ना ऑरेंज शेड का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑरेंज शेड के ऊपर जो भी है ना आप अलग से लगाओगे ना, मतलब कोई भी शेड लगाओगे ना, वो ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस होकर दिखता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंजिश का बेस दिया है। और नेक्स्ट ना मैं उस पर ब्लैक कलर का आउट ऑफ वी पर एक वी बनाते हो, बाहर की तरफ ना वी बनाते हो, विंग बनाते हो, मैं अंदर की तरफ प्लेयर मतलब ब्लेंड कर रही हूँ उसे अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट ना मैंने थोड़ा सा क्या कहूँ, मतलब मैं पर्पल पिंक का थोड़ा सा मिक्स सा शेड है, ये बहुत ही प्यारा सा शेड है, तो उसको मैंने लिया है, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, पूरी आईलिड पे मैंने ब्लेंड किया है। और उसके बाद ना वो थोड़ा सा शिमरी शेड था, उसे मैंने कर लिया, वो मुझे थोड़ा कम लगा, तो फिर मैंने उस पर ना ग्लिटर पेस्ट कर लिया, तो ग्लिटर मेरे को अच्छा लग रहा था, मतलब सिर्फ वो बहुत ही ईजी सा सिंपल सा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा ग्लिटर का शेड दे दिया। और नेक्स्ट मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वेल ब्लेंडेड लगे, कुछ भी हार्श ना लगे, इसलिए मैंने उसे ब्लेंड कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हम उसी पैलेट में से ब्राउन कलर का यूज़ करके ना मैं यहाँ पर अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। आईब्रोज़ को फिल करना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा मेकअप कर लो और आईब्रोज फिल ना करो तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ना मैं इनसाइड का ये आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये मतलब बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सी टिप है इसकी, बहुत ही मतलब इतना इजीली आप ना विंग क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रिसाइज सी इसकी विंग मतलब जो टिप है ना वो है, तो बहुत मस्त है। इससे मैं एक बहुत थोड़ा सा लॉन्ग, ज़्यादा लॉन्ग नहीं पर थोड़ा सा लॉन्ग इससे विंग क्रिएट कर रही हूँ मैं आगे की तरफ। ये लिक्विड कंसीलर है इसलिए ना शिमर्स पर भी मतलब ग्लिटर्स पर भी ईजिली चल जाता है, तो मैंने इसे दोनों आईज़ पर अप्लाई कर लिया है। और आई लाइनर लगाने के बाद पूरा मतलब आई मेकअप ना मेरा कंप्लीट हो जाता है, मैं कभी कभी काजल भी नहीं लगाती, सिर्फ आई लाइनर से मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से मैंने काजल भी लगा लिया है, यहाँ पे मैंने EDS का काजल लिया था, और यहाँ पे मैंने कैलाइलिस की लैशेस ली हैं। अब इसमें मेरा शेड सेकंड नंबर का शेड है मेरा, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त है। इसकी कैलाइलिस की लैशेस ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब इसके साथ जो ग्लू आता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना। नेक्स्ट ना यहाँ पर मैंने इनसाइड का HD फाउंडेशन लिया है, ये ट्यूब फॉर्म में आता है और बिल्कुल HD कवरेज देता है। देखो इसकी फिनिश, देखो इसकी ब्लेंडेबिलिटी, देखो कितना जल्दी ये ब्लेंड हो रहा है। और आपको ना अभी लग रहा होगा ये मेरा शेड नहीं है या फिर मेरे शेड से बहुत ज़्यादा लाइटर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये ना मतलब एक से दो शेड ना ऑक्सीडाइज होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखकर आपके शेड से एक दो शेड लाइटर ही लेना, क्योंकि ये फिर ऑक्सीडाइज होगा तो आपके शेड से ज़्यादा डार्क हो जाएगा। यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मैंने कंसीलर लिया है अपने अंडर आई को कंसील करने के लिए, ये कंसीलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब इनसाइड के ना सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। मुझे इनसाइड का सिर्फ मस्कारा थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, वरना सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट ना मैंने वही सेम पिंक कलर लेके ना अपनी अंडर आई को ना ऐसे मतलब स्मच कर लिया है कलर, वो जो काजल था ना उस काजल को मिक्स करते हुए पिंक कलर को मैंने स्मच करा है। अगर आपने कभी भी आई मेकअप में अंडर आई को मतलब है ना नीचे कलर स्मच नहीं करा है ना, तो आपका आई मेकअप अधूरा है। तो मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लिया है और इस तरीके से मेरा पूरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना फ्लॉलेस, कितना मस्त लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा सा। आजकल पिंक कलर मेरा बड़ा फेवरेट हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ब्रॉन्जिंग करी है। मैं अपने फेस की ब्रॉन्जिंग बहुत मतलब जब भी वेस्टर्न लुक करना होता ना, फेस की ब्रॉन्जिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने SFR का ये ब्लश लिया है, जिसकी पिगमेंटेशन सुपर्ब है, मतलब ओ माई गॉड, मतलब अगर आपने बिना देखे ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिया ना तो आपको लाल भूत बनने से कोई नहीं बचा सकता, इतनी ज़्यादा इसकी पिगमेंटेशन है। और मैं इसे ना 10 बार ऐसे मतलब डस्ट ऑफ करने के बाद इसे अप्लाई करती हूँ, तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा पीचिश कलर है। आई थिंक ना SFR का ये जो शेड है ना, इसमें सिर्फ पीच टोन ही, सिर्फ दो शेड ही है शायद, ज़्यादा शेड्स हैं नहीं।
यहाँ पे मैं मार्स का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ और अपना जो ब्रॉन्जर था ना कॉन्टोर था ना उसे कट कर रही हूँ ताकि ना एक बिल्कुल बहुत ही शार्प लुक आए। इस वजह से मैंने इसे कट कर लिया है ना। नेक्स्ट मैंने पहले अपना फेस को सेट नहीं करा था तो मैं भूल गई थी, तो मैं ना अब थोड़ा थोड़ा से जहाँ से दिख रहा है ना वहाँ से थोड़ा सा सेट कर रही हूँ ना। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने इनसाइड का ये बहुत ही प्यारा सा मैंने हाइलाइटर लिया है। इससे बेस्ट हाइलाइटर किसी में नहीं होगा। आपने पाउडर हाइलाइटर्स यूज़ करे होंगे, कोई भी आपने हाइलाइटर यूज़ करे होंगे, ये ना एक क्रीम हाइलाइटर है, मतलब बिल्कुल क्रीम हाइलाइटर है। इतना प्यारा, मतलब ना चंकी पार्टिकल्स है इसमें, कुछ भी नहीं, पता नहीं मुझे इसका फॉर्मूला बिल्कुल समझ नहीं आया, बट बहुत ही बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब बिल्कुल भी आप कभी आप अगर रियल में देखोगे ना तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आपने कुछ लगा रखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने ना ग्लैम फेम की लिपस्टिक यूज़ करी है, न्यू परचेस है जिसका हॉल आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा, तो मैंने इसके अभी यूज़ कर लिया क्योंकि इसका शेड बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मैं रह नहीं पाई। देखो कितना खूबसूरत शेड है इसका। मैंने बहुत सारी न्यू लिपस्टिक्स ट्राई करी है तो आप ज़रूर देखना वो हॉल। कैसा लगा और ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।